सब्सक्राइब करें टेक माइंड बड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि भीम अलाहाबाद बैंक यूपीआई ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट में और यूपीआई आईडी पर रुपए कैसे ट्रांसफर करते हैं और रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। अपने भीम अलाहाबाद बैंक UPI ऐप को ओपन कर लेंगे। मैंने इसे पहले से ओपन कर रखा है। भीम अलाहाबाद बैंक UPI ऐप पर रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं और UPI आईडी कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। इसके लिए आपके पास बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड करेंगे वो सब यहाँ पर शो होंगे। नया बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आप नीचे ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ बेनिफिशियरी का निकनेम डालेंगे, यहाँ उसका पूरा नाम डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो पैसे ट्रांसफ़र होते ही बेनिफिशियरी को एक मैसेज चला जाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यहाँ उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी। इसके बाद सेव करेंगे। अब इसे कन्फर्म करेंगे। यहाँ ट्रांसफ़र टाइप में अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ से अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, यहाँ IFSC कोड डालेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद अकाउंट डिटेल कन्फर्म करेंगे। ये देखिए बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। इसी तरह से आप और भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इसमें एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड कर रखे होंगे तो आपसे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ क्लिक करके बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। हमने जो बेनिफिशियरी ऐड किया था वो ये रहा। यहाँ चेक बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ रुपए डालेंगे, जैसे कि हम 10 रुपए भेजना चाहते हैं, हमने 10 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ नरेशन डाल देंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपसे UPI पिन डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। फिर से ओके करेंगे। ओके करते ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बेनिफिशियरी के BPA यानी UPI आईडी पर रुपए ट्रांसफ़र करके बताऊंगा। फिर से पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जिस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का वर्चुअल एड्रेस यानी UPI आईडी डालेंगे, या आपने बेनिफिशियरी की UPI आईडी सेव कर रखी है तो यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आप UPI आईडी डालकर जैसे ही बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो UPI आईडी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ रुपए डालेंगे, जैसे कि हम 10 रुपए सेंड करना चाहते हैं, हमने 10 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ नरेशन डाल देंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही UPI पिन डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ UPI पिन डालकर ओके करेंगे। यहाँ फिर से ओके कर देंगे। ओके करते ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मैं आपको रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजना बताऊंगा। आपको जिससे रुपए लेने हैं उसका किसी भी UPI एप्लीकेशन पर अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप उसे रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ कलेक्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप कौन से बैंक अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हैं यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पेयर की UPI आईडी डालेंगे, यहाँ रुपए डालेंगे। यहाँ से आप रिक्वेस्ट का एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कब तक वैलिड रहे। आप यहाँ जितना टाइम सेट करेंगे उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। यहाँ आप कमेंट डाल सकते हैं, यहाँ आप मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। इसके बाद सबमिट कर देंगे। अब ओके करेंगे। ओके करते ही पेयर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब पेयर जब भी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करके ट्रांजेक्शन डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।